हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। आज है 23 मार्च। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह होगा पूरे वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस पे पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए बनाई गई चैट बैट का नाम क्या है? व्हाट्सएप के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए बनाए गए चैट बॉट का नाम क्या है? ऑप्शन ए है माई गो कोरोना हेल्प डेस्क, ऑप्शन बी है कोरोना इन्फो, ऑप्शन सी है चैट बॉट 19, या फिर ऑप्शन डी है कोरोना हेल्प डेस्क। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माई गो कोरोना हेल्प डेस्क नामक चैट बॉट बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, जिस पे आप कोरोना से जुड़े मामलों पर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस 2020 का थीम है। विश्व गौरैया दिवस 2020 का डैश डैश थीम है। ऑप्शन ए है स्पैरो एंड मैन, ऑप्शन बी है आई लव स्पैरो, ऑप्शन सी है वर्ड ऑफ स्पैरो, या फिर ऑप्शन डी है स्पैरो हाउस होल्ड हैप्पीनेस। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आई लव स्पैरो इसका थीम था विश्व गौरैया दिवस का। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है भारत ने, ऑप्शन बी है नार्वे ने, ऑप्शन सी है भूटान ने, या फिर ऑप्शन डी है फिनलैंड ने। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिनलैंड को मिला है प्रथम स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेक फॉर ट्राइबल पहल डैश 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 द्वारा शुरू की गई है। टेक फॉर ट्राइबल पहल द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए है आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा यानी कि ट्राइफेड द्वारा, ऑप्शन बी है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा शुरू किया गया है टेक फॉर ट्राइबल नामक पहल। आगे बढ़ते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका विषय क्या था ये पूछा गया है क्वेश्चन में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन और जैव विविधता। वन और जैव विविधता विषय था इस बार का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का, और वन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई स्वावलंबन एक्सप्रेस की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? व्यावसायिक आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई स्वावलंबन एक्सप्रेस की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है सिडबी द्वारा, ऑप्शन बी है नाबार्ड द्वारा, ऑप्शन सी है एग्जिम बैंक द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है रेल मंत्रालय द्वारा। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। और सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करेगा? ऑप्शन ए है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, या फिर ऑप्शन डी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आंसर कीजिए इसका।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक देगा अपने ग्राहकों को वीजा का डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ लाइट मशीन गन्स के लिए 880 करोड़ रुपए का करार किया है? भारत ने किस देश के साथ लाइट मशीन गन्स के लिए 880 करोड़ रुपए का करार किया है? ऑप्शन ए है इजराइल के साथ, ऑप्शन बी है अमेरिका के साथ, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात के साथ, या फिर ऑप्शन डी है रूस के साथ। ठीक है, फटाफट कीजिए इसका आंसर। इस संयुक्त अरब अमीरात है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसराइल के द्वारा 880 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है, और ये किया गया समझौता लाइट मशीन गन के लिए। अब भारतीय सेना को भी अपडेट किया जा रहा है, इन्हें भी वो नए नए तकनीक वाले जो वेपन आते हैं वो थमाया जा रहा है, ताकि हम अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे सकें। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए है 131, ऑप्शन बी है 139, ऑप्शन सी है 144, या फिर ऑप्शन डी है 157। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 144वां स्थान है खुशहाल देशों की सूची में भारत का। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि शहरी और ग्रामीण नागरिक निकायों द्वारा कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को सफाई कर्मचारी कहा जाएगा? ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि शहरी और ग्रामीण नागरिक निकायों द्वारा कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को सफाई कर्मचारी कहा जाएगा? ऑप्शन ए है तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन सी है नई दिल्ली ने, या फिर ऑप्शन डी है हरियाणा ने। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने कहा है कि अब सफाई कर्मियों को सफाई कर्मचारी कहा जाएगा, यानी पहले इन्हें कहा जाता था सफाई कर्मी, अब कहा जाएगा इन्हें सफाई कर्मचारी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्पा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? ऑप्शन ए है निर्मल पूर्जा, ऑप्शन बी है सत्येंद्र सिंह, ऑप्शन सी है शालिजा धामी, या फिर ऑप्शन डी है सत्यरूप सिद्धांत। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्यरूप सिद्धांत को अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, यह एक पर्वतारोही है भारत की ओर से। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के कोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के कोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजस्थान ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी है दिल्ली ने, या फिर ऑप्शन डी है केरल ने। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है केरल ने। ठीक है, केरल सरकार ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, और ये सबसे ज़्यादा पहला आर्थिक पैकेज है जो किसी राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने WHO, यूनिसेफ और UNDP के साथ कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया है? हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने WHO, यूनिसेफ और UNDP के साथ कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है व्हाट्सएप ने, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, या फिर ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्हाट्सएप के साथ। ठीक है, व्हाट्सएप के साथ कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया है WHO, यूनिसेफ और UNDP ने। आगे बढ़ते हैं, कल के क्वेश्चन का आंसर है, किस IIT संस्थान द्वारा कैरियर बैक टू वोमेन नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर था IIT मद्रास ने शुरू किया है कैरियर बैक टू वोमेन नामक पहल। कल के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम कब मनाया गया? विश्व डाउन सिंड्रोम कब मनाया जाता है? और विश्व डाउन सिंड्रोम मनाया जाता है, ये अनुवांशिक विकार है
जिसके वजह से इसको जागरूक करने के लिए इस डे को मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 मार्च को, ऑप्शन बी है 20 मार्च को, या फिर ऑप्शन सी है 21 मार्च को, या फिर ऑप्शन डी है 22 मार्च को। फटाफट कीजिएगा इसका आंसर, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में, नहीं पता हो तो कल के वीडियो में हम लेके आएंगे इसका आंसर, साथ में लाएंगे और 14 प्रश्नों का संग्रह जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और हम आपके लिए भी वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले आते हैं, और हम आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं जो हम खुद के लिए भी तैयार करते हैं, क्योंकि आपके साथ हम भी अभी एस्पिरेंट ही हैं। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरा एपिसोड देखिए, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी कराएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।